नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा विटोवल एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी फ्रेश हेतु प्रश्न पत्र 2021 से मानसिक योग्यता परीक्षण से आप बताऊंगा भाग दो से प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 8 तक। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, मतलब शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी प्रेस टू प्रश्न पत्र 2021 से मानसिक योग्यता का भाग दो प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 8 तक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भाग दो। अब यहाँ पर निर्देश लिखा हुआ है तो बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाई ओर एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है। ये है आपका प्रश्न चित्र, साइड में दिखा है बाई ओर तथा दाई ओर ए बी सी और डी से चिन्हित चार उत्तर चित्र दिया गया। ये उत्तर चित्र है, ए बी सी डी दिया यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्रों को चुने, मतलब आपको इस चित्र के आधार पर समान चित्र खोजना है, सेम का सेम। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ एम आर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। इसके पहले भी मैंने बता दिया कि कैसे काला किया जाता है। तो हम सिरा सिरा आते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न चित्र इस तरह से दिखता है। अब सेम पैटर्न है यहाँ पर आप लोगों को खोजना है, ठीक है। ए बी सी डी यहाँ पर चार अलग अलग टेप दिया हुआ है, कौन सा समान है जो मैच कर रहा है इसके साथ उसको हम सही उत्तर मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलान करते जाइए थोड़ा सा फटाफट। जैसे जैसे ये काला है तो इस साइड काला है तो ये तो नहीं मिल रहा है, तो फिर से आगे बढ़ गए तो काला वाला ये तो मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लाइन खींचा हुआ है लेकिन यहाँ पर डॉट लगा है, बिंदी लगा है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद देखते हैं इसके साथ, इसके साथ मिल रहा है लेकिन काला वाला को देखो यहाँ पर कुछ और अलग है, तो ये भी गया सी। अब डी को मिलान करते हैं तो डी में देखिए ये सेम का सेम मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है इसके साथ, मतलब ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों, ये डी वाला सही है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। अब 6 में इसमें भी वही है, समान चित्र खोजना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिलान कर लेना है ऐसे, इन दोनों के समान है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देखना पड़ेगा, ये बीच वाला जो धन और ऋण दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा धन धन दिया हुआ है तो इसके साथ मिलान ही होगा। तो बी के साथ देखते हैं, बी के साथ देखते हैं, यहाँ पर इस पार वाला धन है तो उसी में ऋण दिया हुआ है, तो ये भी इसके साथ मिला नहीं हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पर इधर से उधर दिया हुआ है। अब जैसे सी वाला देखते हैं, सी का देखिए यहाँ पर धन है, इस पार भी धन है, ऋण है, इस पार भी ऋण है, इस पार ऋण है, यहाँ धन है, तो दोनों आपस में मिलान हो रहा है, मतलब मैच खा रहे हैं। तो ये आपका सही उत्तर सी है। डी में देखते हैं यहाँ पर गुड़ा का चिन्ह दिया हुआ है तो ऐसी तरह से ये भी रिजेक्ट हो जाता है, तो इसका सही उत्तर है सी, 6वां प्रश्न का। 7वां प्रश्न में आते हैं, इसको भी ऐसी आपको मैच कराना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बड़े ध्यान देखना है। यहाँ पर जैसे देखो कटमट ऊपर दिया है गुड़ा का चिन्ह, तो इसके ऊपर वाले भाग में नहीं दिया, चार बिंदी किया गया। तो बी का देख लो, बी में एक ही बार कट मत किया है लेकिन यहाँ पर इस टाइप का यहाँ पर चार बिंदी नहीं किया, तो ये भी गलत है। तो सी को मिलान करते हैं तो सी में देखो यहाँ पर चार बिंदी, यहाँ भी चार बिंदी, यहाँ पर कट मत किया है, इसमें चार बिंदी कहाँ है, तो इसमें भी चार बिंदी है, यहाँ भी चार दिया है, यहाँ भी कट मत किया है, ये देखो यहाँ पर दोनों समान रूप से मिलान हो रहे हैं, मैच खा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है सी। और डी को देख लो तो डी भी किसी प्रकार का मिलान नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 8।
तो यहाँ पर सेम का सेम दिखना चाहिए, त्रिभुज भी दिखना चाहिए, आपका ये जो भी चित्र दिख रहा है छोटा छोटा है वो भी समान रूप से दिखना चाहिए। तो ए को मिलान करते हैं तो ए के साथ क्या दिखता है, यहाँ ये भी मिलान नहीं हो रहा है, इसके साथ भी मिलान नहीं हो रहा है, ये खड़ा है तो ये आड़ा है, तो इसको पर रिजेक्ट करो। बी देखो, बी को देखिए, यहाँ पर डबल लाइन है तो यहाँ पर सिंगल लाइन है, तो ये शुरुआत में ही रिजेक्ट हो जाता है, इससे कोई मिलान नहीं हो रहा है। सी को देख लेते हैं बड़े ध्यान से, यहाँ मिलान हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखो यहाँ पर सीधा चिन्ह दिख रहा है गोला में, यहाँ भी एक लकीर खींचा हुआ है, यहाँ पर डबल लाइन खींचा हुआ है, यहाँ भी डबल खींचा हुआ है, त्रिभुज भी वैसी है, और यहाँ पर कटमट का चिन्ह है तो इधर भी कटमट का चिन्ह है डब्बों में, और गोला में भी धन का चिन्ह है, तो ये सही है आपका सी, आठवां प्रश्न का सी सही है। और डी में यहाँ पर कोई मिलान नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर तीन ठो तो ठीक है, आप लोग को समझ आ गया आज के वीडियो में इस तरह से इसको मिलान किया जाता है। तो आज के वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों यह वीडियो जय नवोदय विद्यालय कक्षा छठी प्रेस हेतु प्रश्न पत्र 2021 से मानसिक योग्यता परीक्षण भाग दो से प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 8 तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए हैं, और जो लोग नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर चुके हैं वो बिल्कुल अपने घर में बैठकर अभ्यास कर सकते हो। इसके लिए भी बहुत सारे पुस्तक मिल जाएंगे आपके नजदीकी मार्केट में, चाहे उपकार हो चाहे अजय का आर्यन का, न जाने बहुत सारे ब्रांड का पुस्तकें मिल जाएंगे, तो पुस्तक खरीद करके आप लोग अभ्यास कर सकते हो। और मेरा वीडियो भी जरूर देखिएगा, आने वाले वीडियो का भी। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल में नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मतलब प्रज्ञा जी जोहर एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर देना, ठीक है। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर देना, और अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।